इस दुनिया में बहुत से लोग विभिन्न तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं। जब उन्हें कोई उपाय नहीं दिखता तो अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए लोग जादू टोना आदि के चक्रों में पड़कर अपना बहुमूल्य समय भी नष्ट करते हैं और शारीरिक मानसिक शोषण भी करवाते हैं। यदि आप वास्तव में अपने दुखों का अंत करना चाहते हैं तो किसी इधर उधर के चक्रों में ना पड़कर प्रभु श्री हनुमान जी की शरण में आ जाइए, उनकी पूजा करना आरंभ कर दीजिए। हनुमान जी कभी भी अपने भक्तों पर संकट नहीं आने देते, और संकट आ भी गया तो उसे काट कर रख देते हैं। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं संकट मोचन महाबली हनुमान जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करने के एक अद्भुत उपाय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये उपाय है पीपल के पत्ते और पान का उपाय। मित्रों, मान्यता के अनुसार हनुमान जी को पान बहुत प्रिय है, तो आपको उन्हें मंगलवार के दिन पान अवश्य चढ़ाना चाहिए। और हाँ, केवल पान ही नहीं बल्कि पान के साथ साथ पीपल के पत्ते भी चढ़ाने चाहिए। हनुमान जी को पीपल के पत्ते की माला पान के साथ अर्पित करनी चाहिए आपको। यदि मंगलवार के दिन ये दोनों चीज़ें आप हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो आपके रुके हुए सारे कार्य पूर्ण होने लगेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, क्योंकि इससे हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें चढ़ाने का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप सही नियम सही तरीके से इन्हें अर्पित करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कि पान और पीपल के पत्ते को चढ़ाने का सही नियम क्या है, किस तरह से चढ़ाना चाहिए ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। मित्रों, मंगलवार के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर आप पीपल के पत्ते तोड़ लीजिए। ये पीपल के पत्तों की संख्या 11 होनी चाहिए। साथ ही ध्यान रखिए कि पीपल के पत्ते साबुत हों, मतलब कि उनमें किसी भी तरह का कोई छेद ना हो, कोई खंडित ना हो, कटे फटे ना हो, एकदम अच्छे साफ सुथरे 11 पत्ते आप तोड़ लीजिए। उसके बाद आप उन्हें जल से साफ कर लीजिए और ज़्यादा स्वच्छ कर लीजिए उन पत्तों को। फिर उस पर कुमकुम या चंदन लगा दीजिए और पत्तों पर श्री राम लिख कर उनकी एक माला बना लीजिए। उन्हें एक माला की तरह एक दूसरे के साथ पिरो लीजिए। फिर बाद में हनुमान जी के मंदिर में जाकर इस माला को अर्पित कर दीजिए। ध्यान रखिए कि प्रभु श्री राम जी का नाम लिखना आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि राम जी का नाम हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। श्री राम जी का नाम लिखकर उन्हें जो भी अर्पित किया जाता है हनुमान जी स्वीकार कर लेते हैं। तो आप श्री राम जी का नाम लिखकर ये पीपल के पत्तों की जो माला है वो हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो आप सोच सकते हो कि हनुमान जी आप पर कितना प्रसन्न होंगे। इसके बाद आप पान के बारे में जान लीजिए कि किस तरह से उन्हें आपको पान अर्पित करना है। मित्रों, जो पान आप हनुमान जी को अर्पित करेंगे उस पान में पड़ने वाली जो भी सामग्री है वो आप खुद एकत्रित करेंगे, आपको खुद पान बनाना है। ये नहीं कि किसी दुकान में जाकर किसी पान वाले को बोल दिया कि पान बना दे और आप जाकर हनुमान जी को अर्पित कर देंगे, नहीं। और ये भी ध्यान रखें कि पान में क्या क्या पड़ सकता है। पान में आप कत्था, गुलकंद, सौंफ, घिसा नारियल, सुमन कतरी ये सब पान में डाल सकते हैं, मिला सकते हैं। ऐसा करने से पान रसीला बन जाएगा, अच्छा रहेगा। और ध्यान रखें कि भूल कर भी पान में चूना या सुपारी या तंबाकू आदि नहीं डालना है आपको। इस तरह से शुद्ध स्वच्छ और सात्विक पान जब आप बना लेंगे और उसे हनुमान जी को अर्पित करेंगे तो इससे आपको विशेष लाभ होंगे। तो मित्रों, पीपल के पत्तों पर श्री राम नाम लिख कर हनुमान जी को उसकी माला अर्पित करने की बात हो या फिर ये पान सात्विक पान हनुमान जी को अर्पित करने की बात हो, ये दोनों ही अचूक उपाय हैं। इनसे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, आप आगे बढ़ते हैं, आपका जीवन उन्नति की ओर अग्रसर होता है, आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं।
यदि आप में से किसी ने भी इस उपाय को किया है तो आप अवश्य कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि आपको क्या क्या लाभ हुए। इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वो श्री हनुमान जी के चरणों में आ जाएं, उनके चरणों को पकड़ लें तो उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। किसी भी जादू टोना के चक्कर में पड़कर वो अपना जीवन नष्ट नहीं करेंगे। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक ये उपाय नहीं किया है तो अगले ही मंगलवार को ये उपाय अवश्य करें, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण मन के साथ। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। जय जय सियाराम, जय जय प्रभु श्री हनुमान जी।